ऑपरेशन कैंसिल हो गया जी। कैंसिल हो गया? माफ कीजिएगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों कैंसिल हो गया? शायद वो मरीज जिसका ऑपरेशन होना था उन्होंने इनकार कर दिया है। हेलो, डॉक्टर की वालिदा ने इनकार कर दिया है? सादिक भैया, क्या तुम जानते हो कुछ? सादिक, मैंने पूछा कि तुम क्या कुछ जानते हो? नहीं आफाक, मतलब ये वक्त वो बात बताने का मौका नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं किसी सूरत ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं। मुझे खौफ है कि अगर ज्यादा प्रेशर में रहेंगी तो और तबीयत खराब हो जाए। मुझे मुझे एक मौका दीजिए। माफ करना डॉक्टर, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी मजबूर होकर ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ा ताकि दूसरे मरीजों के बारे में सोचा जाए। अगर दूसरे मरीज की टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले अम्मी तैयार हो गई तो? उम्मीद करता हूँ उस वक्त तक उन्हें राजी कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे अफसोस है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अम्मी 5 मिनट पहले तक तैयार थी, अब क्या हो गया है कि वो इनकार कर रही हैं? मैं नहीं बता सकता, तुम्हारी माँ ने कसम दी है, मैं तुमसे कैसे बताऊं? ठीक है, याद रखिएगा ये बात, मैं सादिक से पूछ लेता हूँ। सिर्फ अपनी माँ से पूछ सकते हो, जाओ अपनी माँ से पूछो। मेरे खुदा, अम्मी जान यकीन कीजिए, मैंने अब तक जो कुछ किया वो खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है। अगर मैंने उस दिन आपसे छुपाया तो आपकी सेहत की वजह से छुपाया था, खुद खुदा गवाह है। इसी रोजे की कसम कसम रखाऊं तो बेहतर है। मुझे पता है तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, मुझे मालूम है ये जो तुम्हारे और सीमा पुपी के साथ हुआ बहुत ही अफसोसनाक है। यकीन करो मुझे भी उसका अफसोस है। बहुत चाहता था कि इस इत्तेफाक को मैं रोक सकूं जो नहीं हो पाया। अपने बाबा को भी रोकना चाह रहा था लेकिन ये भी नहीं कर पाया। जानती हूँ सासान, जानती हूँ। असल में मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, हालांकि जानती हूँ कि ये इन बातों का मौका नहीं है। सासान जानते हो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिर से तुम्हें पहचान रही हूँ। यही मेरी तस्कीन के लिए काफी है। अम्मी जान, मैं अपनी गलती पर पर्दा नहीं डालना चाह रहा हूँ,
शायद बहुत पहले वसीयतनामा और सरमस्त की बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन अम्मी हकीकत यह है कि आपकी, सीमा की और बच्चों की फिक्र की वजह से मनुचेहर ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सीमा को मैं जानती हूँ, अब मनुचेहर के साथ नहीं रहेगी। सासान के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं, सिर्फ उस बेचारी सितारा के लिए परेशान हूँ। अब इस वक्त जाकर क्या कहिएगा, आप तो जानती हैं कि वो मोहतरमा। सलाम मैडम। शरीफा बीबी, मैं आफाक हूँ। आपके बेटे ने कहा था आपको डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन कुछ मिनट। मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन कल जब मैं आई थी तो आप जा चुके। बात करनी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, किसी दूसरे को दे सकती हैं। सुल्तानी साहिबा, मैं जानती हूँ कि आपने क्यों इनकार किया है। मैं आपको जानती हूँ, मतलब ये कि अभी पहचाना है। कल तक समझती थी कि आप वो हैं जिन्हें मेरे शोहर का दिल दिया जाएगा। लेकिन अब समझ गई कि आप पहले ही फत्ताह का दिल ले चुकी थी। मैं कुछ नहीं जानती थी सुल्तानी साहब। फत्ताह ने इस सिलसिले में मुझसे कुछ नहीं कहा था। यकीन कीजिए, फत्ताह ऐसे इंसान नहीं थे। कम से कम मैंने उन्हें होने नहीं दिया। गुजर चुका मैडम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप तो कह चुकी हैं कि आपको इत्तला नहीं थी। मेरी और फत्ताह की बात छोड़ दे, किसी और वक्त कहे।